क्योंकि दिल्ली या फिर गुड़गांव में बहुत कम ऐसी जगह बची हैं जहाँ पे कि लोग शांति से रह सकते हैं, और वो हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज़ को हम सजो के रखें। तो यहाँ से जो लोकेशन दिखते हैं ना, देख सकते हो आप कि कितनी अच्छी लोकेशन, मतलब जब पहाड़ में जाता है, उत्तराखंड में जाता है, तो दूध दही वगैरह है ना, तो सब आपके ही काम आने वाला है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको छाछ मिलेगी, A1 छाछ मिलेगी, और आप मतलब वो छाछ पी के ना आप पूरा दुकानों वाली छाछ को बिल्कुल। गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत है जी आपका एक नए ब्लॉग में। तो अराउंड 1.5 महीना बाद आज मैं जा रहा हूँ जी घूमने के लिए। जहाँ पे मैं आज घूमने के लिए जा रहा हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें उत्तराखंड की याद आती है। तो आज मैं जाने वाला हूँ अपने चाचा जी के साथ और अपने नाना जी के साथ नाना जी है पता नहीं क्या है, ठीक है। तो आज हम लेके जाने वाले हैं 2 बाइक, एक अपनी वाली और एक सारी वाली। चलो जी, एक ये गए और एक हम जाते। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ठेके में। फाइनली ठेके में पहुंच चुके हैं। और ये आप ठेका दिखाइए एक बार, ये ठेका, यहाँ पे लोग पी रहे हैं बैठ के। ये है जी हमारा इस्कॉन टेंपल गुड़गांव का। पहुंच चुके हैं भोंडसी में, और जहां से हमने अंदर को जाना है ना वो जाना है वहां से। बट ये जो कट है अब यहां पे बहुत लंबा कट लग चुका है, अभी हमें वो उस तरफ जाना है, उस तरफ से हमको मोड़ के आना पड़ेगा। अगर पहले की बात होती तो हम यहीं से आगे चले जाते। लोग सैर सपाटे के लिए भी आते हैं, आप जैसे देख सकते हो। भाई हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई दूसरी जगह में उत्तराखंड के अलावा कहीं दूसरी जगह में ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे। और ये लगा दी हमने अपनी दोनों बाइक है। वाली जो पानी पीने की आदत है ना वो हमारे गांव से पड़ी हुई है। ये पानी पीने में अच्छा होता है। जब सब पानी पिया जाता है, अब
अंदर के दर्शन करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अंदर को क्या क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि हमने उस साइड को देखा तो यहाँ पे अभी पूरी पार्किंग वार्किंग लगी हुई है और कुछ कुछ जो है कि मूर्तियाँ वगैरह भी लगी हुई है। अब इस साइड को अगर हम जाते हैं तो इस साइड को देखने को मिलता है हमें, सबसे पहले जो हमारे सामने ही है वो है गौशाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फैलाना होता, बिल्कुल यहाँ पे शांत रहना होता है, ठीक है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हम गाय माता के दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले गाय माता के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी गाय है उधर से और पूरे यहाँ पे गाय है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे मिलता है हमें लस्सी छाछ वगैरह मिलती है पीने के लिए, और यहाँ का जो दूध दही वगैरह है ना तो ये बेचते नहीं है, सब ये खाने पीने के ही काम आता है यहाँ पे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाय हैं, बहुत सारी, आधी गाय यहाँ पे हैं और आधी गाय वहाँ पे अंदर है। देख सकते हो कितनी गाय है पंडित जी, कितनी गाय है यहाँ पे टोटल? ये 250 और दूध बेचते भी हो क्या? बेचते नहीं बाबू। अच्छा, क्या करते इतना दूध को? पूरा यहीं तो यहाँ का जो दूध दही वगैरह है ना तो सब आपके ही काम आने वाला है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको छाछ मिलेगी, A1 छाछ मिलेगी, और आप मतलब वो छाछ पी के ना आप पूरा दुकानों वाली छाछ को बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ का जो छाछ का मजा है ना अपना ही मजा है। प्योर छाछ मिलती है, प्योर दूध यहाँ पे मिलता है। वहाँ पे अभी जाएंगे हम ना, कितना गिलास सब रखे रहते हैं, तो अभी ऊपर जाने वाले हैं तो आपको छाछ पी के भी दिखाते हैं कि कितना टेस्टी और कितना शुद्ध छाछ है जो कि हमें यहाँ पे मिलने वाला है। कुत्ता ना लाए जी यहाँ पे। तो लो जी, पहुँच गए हैं हम ऊपर मंदिर परिसर में। सबसे पहले जो हमारी खोज होती है वो होती है छाछ की, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ छाछ वगैरह है नहीं है यहाँ पे। सुबह 8 बजे के बाद मिलती है यहाँ पे छाछ, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा होगा तो पी लेंगे। डब्बा खाली खाली है, अभी तो खाली हो चुकी है, हम लेट हो गए। मुझे छांस तो हमें यहाँ पे मिली नहीं, तो अभी हम पानी पीते हैं और पानी से ही हम खुश हो जाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में, ये हमारा जो मंदिर है वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक बाबा जी भी रहते हैं, उनसे अभी देखूँगा मिलाऊँगा मैं थोड़ा देर में आपको। और यहाँ पे हमको एक एक सिक्का डालना होता है, तो हमारी मनोकामना ऐसे कहते हैं कि पूरी होती है। तो आप भी कभी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का आप ज़रूर डालना और अपनी मनोकामना पूरी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो यज्ञ चलता रहता है वो पूरे 2400 घंटे चलता रहता है, और वहाँ पे एक पंडित जी हमेशा ही बैठे रहते हैं। चलो फिर आगे की ओर अब चलते हैं हम, और मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा जो चारों तरफ का वातावरण है ना वो आप देख सकते हो कि कितना शांत है। मंदिर से दर्शन करके तो हम आ चुके हैं, और अब जो हम मेन डेस्टिनेशन पे आपको ले जाने वाले हैं यानी कि पहाड़ों की यादों में हम आपको ले जाने वाले हैं, वो जाने वाले जी इस रास्ते पे। जब हम पहले आए थे ना जनवरी में, उस तरह उस टाइम पे यहाँ जो रास्ता था वो बहुत सूखा सूखा हो रखा था, अब थोड़ा सा रास्ता जो है कि बहुत हसीन हो रखा है। तो चलो फिर चलते हैं पहाड़ों की वादियों में। यहाँ से हो जाता है पूरा पहाड़ियों वाला रास्ता स्टार्ट, यहाँ से देख सकते हो आप कि पूरा पहाड़ी 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 है, और इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी पहाड़ी पहाड़ी है। यहाँ आते आते पूरी हालत जो है कि पूरी ख़राब हो चुकी है, और अब हम करने वाले हैं भोलेनाथ के दर्शन। ये जी हमारे भोलेनाथ, और अब चलते हैं हम इनका फोटो सेशन कराने के लिए, और एक भोलेनाथ का शॉट दिखाते हैं आपको।
यहाँ से जो लोकेशन दिखते हैं ना, देख सकते हो आप कि कितनी अच्छी लोकेशन, मतलब जब पहाड़ में जाता है आप, उत्तराखंड में जाता है, तो कुछ ऐसा फील होता है, बट यहाँ से उतना ज़्यादा फील आपको आएगा नहीं, बट थोड़ा बहुत फील तो आपको पहाड़ वाला आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखने वाले हो ऐसा ऐसा सीन कुछ दिखता है उस तरफ जो है कि उधर बादशाहपुर देखने को मिल जाता आपको, उस साइड बादशाहपुर वगैरह है। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड को, तो दूसरी साइड को मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी साइड वो कैसा है। तो दूसरी साइड भी ऑब्वियसली अच्छा ही है, उधर ज़्यादातर लोग जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, और हम भी जाने वाले हैं क्योंकि मेरा जो साथी हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी हम उनके साथ जाते हैं और फिर आगे दिखाते हैं। जो हमारे साथी थे वो मुझे छोड़ के बहुत पहले ही आ चुके हैं, उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना फोटो सेशन है वो भी कंप्लीट कर लिया है। हो गया पूरा? कैसी वाली फोटो, कैसे वाली फोटो बोलता है क्या? देखो सबसे पहले हमारे बहुत ही अमीर आदमी को देखो कि कितना बड़ा फोन और कितना महंगा फोन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल फोन दिखाने पे लगा उस समय से, फोन आईफोन दिखाना उन्हें। फोटो आगे की नहीं आगे लौंडे की, कौन सी फोटो बोलता है, झक्कास की कौन सी फोटो बोलता है? जेन्युइन फोटो। बिल्कुल जेन्युइन फोटो निकालता है भाई साहब। तो इसने थोड़ी बहुत क्लिप्स निकाली हुई थी, तो अभी हमारा जो फोटो स्पॉट है वो यहाँ पे होने वाला है, थोड़ी बहुत देखते हैं, कुछ अच्छी आती है तो निकालेंगे, नहीं तो फिर वापस जाएंगे। बट मुझे यहाँ की जो अच्छी बात लगती है वो यही लगती है कि ना यहाँ पे आके ना पूरा शांत मन से रह सकते हो, जो कि मुझे पसंद है, शांति, ये वाली, दूसरी वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रह के सुबह सुबह आओगे ना तो इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है यहाँ पे। अगर आप आना चाहो तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे आ भी सकते हो। ये बादशाहपुर के एक छोटा सा स्टेशन के बाद पड़ता है, भौंडसी गांव में पड़ता है ये जो मंदिर है, भुवनेश्वरी मंदिर, तो भौंडसी गांव में पड़ता है। और वहाँ से आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से तो आप आराम से पहुँच सकते हो, बाइक या कार वगैरह है तो पूरे मंदिर तक ही जो है कि गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, तो आप आराम से अपनी ट्रिप भी बना के आ सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो कोशिश ये करना कि यहाँ पे ना ज़्यादातर मतलब शोर शराबा मत करना, या फिर जो भी अगर आप कुछ खाना पीने के लिए लाते हो यहाँ पे तो वो प्लीज़ आप अपनी छाती ले जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं देखने को भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ना आपको कुछ भी कूड़ा वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। जो भी लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए लाते भी है ना तो अपने साथ वो पन्नी में पैक करके ले जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली या फिर गुड़गांव में बहुत कम ऐसी जगह बची हैं जहाँ पे कि लोग शांति से रह सकते हैं, और वो हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज़ को हम सजो के रखें। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो जो भी अपना कूड़ा वगैरह है तो वो उसे अपना साथ लेके जाएं और शांति यहाँ पे बना के रखें, क्योंकि दिल्ली या फिर गुड़गांव में बहुत कम ऐसी जगह बची हैं जहाँ पे कि लोग शांति से रह सकते हैं, और वो हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज़ को हम सजो के रखें। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो जो भी अपना कूड़ा वगैरह है तो वो उसे अपना साथ लेके जाएं और शांति यहाँ पे बना के रखें। तो अभी हो चुका है 7:03 और अब हम चलते हैं यार घर, क्योंकि यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा और अंधेरे में जाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि दादी भी घर पे अकेले है ना। तो अब हम चलते हैं घर पे, और यहाँ का जो सीन था वो आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताना। मुझे तो अच्छा लगा, मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। तो जितना भी अगर मैं ज़्यादा लंबा टूर ना कर पाऊँ, यानी कि मैं उत्तराखंड या फिर किसी और जगह में ना जा पाऊँ, तो मैं ऐसी जगह को चुनता हूँ। और अगर मैं गुड़गांव पे हूँ तो मैं यहीं पे आता हूँ। दिल्ली में भी एक जगह मेरी थी, वो पार्क थी, तो कभी अगर दिल्ली में जाऊँगा तो पार्क भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जगह आपको कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोकल से हो और आपको कुछ और जगह यहाँ पर पता है कि लोकल में एक्सप्लोर कर पाऊँ मैं, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के ही जाएं। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।